मायोनीज फॉर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम बोलो, फेस पैक बोलो, रेसिपी बोलो, जो भी बोलो, आज की वीडियो की टॉपिक है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और सोच रहे हो इस फेस पैक को घर बैठ के बनाने के लिए, तो ज़रूर 5 से ज़्यादा 6 मिनट लगेंगे इस वीडियो को पूरा होने में, ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती पूरा प्रोसेस को जाने बिना आप इस फेस पैक को इस्तेमाल करके आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाओ। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना और फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, वेस्ट नहीं जाएगा आपकी वक्त। और एक बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सके जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। फॉर मोर ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइब, इट्स टोटली फ्री एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाई व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग ए न्यू वीडियो। तो चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। फर्स्ट है नेचुरल एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पतंजलि का एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमें चाहिए जो मेन इंग्रेडिएंट है मायोनीज, किसी भी अच्छे ब्रांड की मायोनीज ले लो आप। इसके साथ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी चाहिए आपको, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको मुल्तानी मिट्टी नहीं लेना है। इसके साथ आपको चाहिए लेमन जूस। सो चलिए बना लेते हैं इस फेस मास्क को। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी नेचुरल एलोवेरा जेल एक बोल में ले ली है। आप 1 टीस्पून ले सकते हो अगर आप पतंजलि एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रहे हो तो। इसके साथ आपको ऐड करना है 1 टीस्पून मायोनीज। इसके बाद जिनकी ऑयली स्किन है उनको मस्ट ऐड करना है, जैसे कि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। डबल आपको ऐड करना है, अगर आप 1 टीस्पून मायोनीज ले रहे हो तो 2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है। इसके साथ लेमन जूस आपको निचोड़ के अच्छे से 1 टीस्पून के हिसाब से ले लेनी है और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए जान लेते हैं बेनिफिट्स, क्यों हम ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट को इस फेस मास्क को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट है मेन मायोनीज। मायोनीज में बहुत मात्रा में प्रोटीन होती है जो हमारी स्किन को रिपेयर करती है। इसके साथ इसमें विनेगर भी होती है जो हमारी स्किन को लाइटन करती है एक्सफोलिएट करके, और ये हमारी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखते हैं। पर जिनकी ऑयली स्किन है उनको ऑयल ज़्यादा हो सकती है फेस पर, तो इसलिए मुल्तानी मिट्टी ऐड किया है इसमें। मुल्तानी मिट्टी आपकी जो फेस पे ऑयल हो सकती है अगर ज़्यादा हो तो ऑयल कंट्रोल कर लेगी। मुल्तानी मिट्टी में सारे गुण हैं वो आपकी ऑयल को कंट्रोल करने के लिए फेस पर, सॉरी आपकी नहीं आपकी फेस की। और इसके साथ हमने यहाँ पर ऐड किया है लेमन जूस को। लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीचिंग है, आपकी स्किन को ब्लीच करती है नेचुरली, और एलोवेरा जेल आपकी स्किन को नॉरिश करती है। बहुत ही बढ़िया 4 इन्ग्रीडियंट है। तो इसके साथ मैंने 1/2 टीस्पून और मायोनीज ऐड किया है, आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है पेस्ट थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए। आप भी ऐड कर सकते हो पर क्वांटिटी थोड़ा सा कम लेना, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे। और एक बात, आप आते हैं मेन बात पे, कैसे इसको इस्तेमाल करनी है। और प्लीज़ मेरी विनती है आप सबसे, मैं जैसे बोल रही हूँ आप वैसे ही करना, ऐसा ना हो आपको नुकसान हो कोई मेरे वजह से। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, प्लीज़ आप ज़रूर मुझको सुन लेना मैं क्या क्या बोलना चाहती हूँ। स्किप मत कर देना वीडियो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या प्रोसेस हैं इसकी। पहला पॉइंट, आप इस फेस पैक को रात में ही इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें लेमन जूस ऐड किया है हमने। सेकंड पॉइंट, आप इस फेस पैक को और व्हाइटनिंग क्रीम आप जो भी बोलो आप इसको वीकली 3 दिन तक ही इस्तेमाल करना, और आप रेफ्रिजरेटर में नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हो, आराम से इस्तेमाल कर सकते हो एक बार बना के वीकली। तीसरा पॉइंट, आप इस फेस पैक को पहले दिन जब इस्तेमाल करना शुरू करो तब आप पहले पूरे फेस पे मत लगाना, आपकी सेफ्टी के लिए मैं बोल रही हूँ। आप थोड़ा सा जॉ लाइन और किधर भी आपकी फेस पे आप अप्लाई कर लो थोड़ा सा, जैसे आप फेस पैक को अप्लाई करते हो, और 10 से 15 मिनट इंतज़ार करो, फिर आप धो लो। आप देखो आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ें सारी इंग्रेडिएंट जो हमने इस्तेमाल किया है आपको सूट करता है नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो इस फेस पैक को इस्तेमाल करना। चौथी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको नेचुरल क्लींजर, नेचुरल टोनर, नेचुरल मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है। डरिए मत, सब चीज़ें आपके घर के सामने ही मिल जाएगा आपको,
बेसन इस्तेमाल करना है क्लिंजर के तौर पे, टोनर के तौर पे आपको ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है और क्यूकम्बर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी नेचुरल टोनर। इसके साथ मॉइस्चराइजर के बेस पे जेल बेस्ड आपको एलोवेरा जेल इस्तेमाल करनी है। 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है मेरी जो चैनल है इस पर, तो आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, कार्ड में भी लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखना और इस्तेमाल करना। कैसे करना है 5 पॉइंट जो है, आप इस फेस पैक को पहले आप फेस को पानी से अच्छे से धो के पोंछ के आपकी फेस को इस फेस पैक को लगाओ। लगाने के बाद 10 से 15 मिनट इंतज़ार करो, फिर जब ये थोड़ा सा सूख जाए 10 से 15 मिनट के बाद आप अच्छे से धो लो। धोने के बाद आप बेसन क्लिंजर से अच्छे से स्कार्विंग करके थोड़ा सा जेंटल होके, क्योंकि आप 3 दिन तक इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा जेंटल होके 5 मिनट आप बेसन को फेस पे छोड़ दो। फिर आप बेसन धो के पूरे फेस पे आप ग्रीन टी टोनर इस्तेमाल करो, फिर उसको 5 मिनट रख के, क्योंकि टोनर को सूखना है आपकी फेस पे, फिर आप जो नेचुरल मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड एलोवेरा जेल बेस्ड है आप उसे आपकी पूरे फेस पे लगाओ। और आप जो रिजल्ट देखोगे 3 दिन के बाद, अगर आपको आप मैं जो जो बता रही हूँ आप वैसे ही करोगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आके थैंक्स लिखोगे, क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया है, मुझे पता है बहुत काम की है। आपको कोई भी बाहर की प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है, क्योंकि कभी कभी हमें सन टैनिंग हो जाती है। और एक बात, वाइटनिंग का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सफ़ेद हो जाओगे और कुछ ऐसा, वाइटनिंग का मतलब है आपकी स्किन टोन जो है वो और भी फ्लॉलेस और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इस पर कन्फ्यूजन मत होना प्लीज़। और मैं कोई भी ऐसा नहीं है काला गोरा, ऐसा कुछ नहीं है, पर सन टैनिंग के वजह से कभी कभी हमारी स्किन थोड़ा सा डल दिखने लगती है, तो इसका जो ग्लो आएगी आपकी फेस पे आप देखोगे, और मुझे कमेंट बॉक्स पे आके फीडबैक ज़रूर दोगे, मुझे पता है। तो मैं इसको एक खाली जो मेरे पास कंटेनर था पॉन्ड्स का, वहाँ पर ऐड सब चीज़ें ले रही हूँ, और मैंने खुद इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हो। मैंने इसको रात में शूट किया था और मैं खुद इसे इस्तेमाल करी थी 2-3 बार। तो आप आराम से करो और मुझे फीडबैक देना प्लीज़। मैंने जैसे बताया वैसे करना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करना, क्योंकि मुझे जानना है कि एक कैसे काम करती है, और मुझे पूरा बिलीव है इट विल वर्क, एंड ट्रस्ट मी इट विल वर्क इफ़ आप जो मैं जो बोल रही हूँ आप अगर वो फॉलो करो तो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझको आस्क करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। टेक केयर, टाटा।